Hello friends, I shall tell you some amazing facts today, and I'm too late to upload this video. मेरी पहली वाली जो facts वाली video थी वो बहुत पहले जा रहा था और इसमें मैं थोड़ा late हो गया हूँ. तो पहले video में मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब था. मैंने कुछ दोस्तों ने मुझे comment भी किया था, स्कूल में बोला भी था कि तू अपना हिंदी को develop कर. तो मैं आज आपको दो बार शायद रिहर्सल करके बोल रहा हूँ, ठीक है? और इस वीडियो को आखिर तक देखना, लाइक करना, शेयर करना. अगर अच्छा लगे इस तरह के वीडियो आप अगर रेगुलरली पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है? और इस वीडियो को देखकर आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, सुपर. तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. फैक्ट नंबर 10, आप साइड में जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर, हाँ मुझे काम के लिए जाना पड़ा था और इसीलिए मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ा था. हाँ, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं एक तरह का इल्यूशन है, ऑप्टिकल इल्यूशन. तो आप क्या देख रहे हैं, इस ऊपर में जो कलर है और नीचे जो कलर है थोड़ा अलग है ना. ऊपर में ज़्यादा डार्क है और नीचे उससे कम डार्क है. मतलब ऊपर ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है आपको और नीचे उससे कम डार्क दिख रहा है ना. लेकिन अगर मैं कहूँ ये ऊपर वाला कलर और नीचे वाला कलर एकदम एक है तो आप क्या कहेंगे? ये दो कलर एकदम एक है. अगर विश्वास नहीं होता तो आप उसके मिडिल में जो पोर्शन है उस पर अपनी उंगली डाल के देख लीजिए. उंगली डाल के देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऊपर वाला जो कलर है और नीचे वाला जो कलर है वो सेम है. ये क्यों है, क्यों है? इसका जो कारण है वो आप मिडिल में देख रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट में ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा ब्लैक है और उसके एकदम नीचे ज़्यादा ब्राइट है, वाइट है. उसके नीचे से दो कलर सेम हो गया है. तो इस ज़्यादा डार्क वाला और ज़्यादा वाइट वाला पार्ट की वजह से आपकी ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जाता है उससे लगता है कि ये दो कलर अलग है, ऊपर वाला ज़्यादा डार्क है और नीचे वाला ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन ये सेम है. अगर विश्वास नहीं होता तो वीडियो को 10 सेकेंड प्रीवियस करके आप उंगली डाल के देख लीजिए, आपको खुद को ही पता चल जाएगा. फैक्ट नंबर 9, हमारे दुनिया में स्मार्टफोन यूज़र्स है 5-10 करोड़ लोगों के पास. 5-10 उसके बाद शायद 7 या 8 0 होगा, वो मैं अभी सब नहीं कर सकता. 5-10 करोड़ लोगों के पास ये स्मार्टफोन है. मे बी मेरे पास भी है. और आपको पता है कितने लोगों के पास टूथब्रश है? टूथब्रश ये बहुत बुरा लगता है. हम लोग स्मार्टफोन से ज़्यादा टूथब्रश को कम यूज़ करते हैं. स्मार्टफोन है 510 करोड़ लोगों के पास, लेकिन टूथब्रश है मात्र 420 करोड़ लोगों के पास. सच में हम क्या गंदे लोग हैं. ए मेरे पास टूथब्रश है. फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं हमारा जो पढ़ाई का नियम है, हम जो पढ़ाई करते हैं, कोई लोग है एक लगातार 3-4 घंटा, लगातार 5 घंटा, ऐसे होने ऐसे बहुत लोग होते हैं पर पढ़ते हैं. लेकिन ये पढ़ाई का नियम नहीं है. पढ़ाई का जो असली नियम है वो आपको आधा से 40 मिनट तक, 30 से 40 मिनट तक पढ़ लीजिए एकदम एक मन से. फिर 10 से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट अब रेस्ट कीजिए. और रेस्ट कैसे करेंगे? कोई कहानी सुनिए, मेरी दादी के पास, दादा के पास कोई कहानी सुनिए, खेलिए. लेकिन वो मोबाइल गेम्स नहीं, मोबाइल गेम्स से आपका दिमाग और भी प्रेशर में, क्या कहूँ इसको मैं, याद नहीं आ रहा, और भी थक जाता है यार. आपका दिमाग अगर मोबाइल गेम्स करे तो उसका प्रेशर जो बात है उससे थक जाता है. तो इस समय आप कोई
कहानी की किताब पढ़िए, स्टोरी बुक्स, कोई कहानी सुनिए और खेलिए क्रिकेट, फुटबॉल, पैर से, हाथ से, फोन से नहीं। हाँ, यही है पढ़ाई करने का असली नियम। तो ये लगातार 2-3 घंटा नहीं पढ़िए, आधा से 40 मिनट पढ़िए, 10 से 15 मिनट टेस्ट कीजिए और फिर पढ़िए। इससे आपको जो पढ़ेंगे वो आपके सिर में अच्छे से घुसेगा। फैक्ट नंबर 7, फैक्ट नंबर 7 है कि आपको पता है हर सेकेंड्स में आपके शरीर में कितने सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। हर मिनट में आपके शरीर में 2.5 मिलियन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, का मतलब 25 लाख सेल्स हर मिनट में आपके शरीर में प्रोड्यूस होते हैं। वाह, सच में ये अमेजिंग फैक्ट है। हर सेकेंड ये हमारा जो बॉडी है 25 लाख सेल्स। वाह, हाँ, उसके बाद वाला फैक्ट, फैक्ट नंबर 6, कि आपको पता है वियतनाम के कैपिटल हनोए है। इस हनोए में एक जगह है, उससे पहले एक बात बोलता हूँ, मैं जब 4-5 साल का था, मेरा एज 4-5 साल था, तब मेरा इच्छा था कि मैं ट्रेन से अपने स्कूल जाऊँ। ऐसे हम कार से जाते, वैन से जाते, साइकिल से जाते, ऐसे मैं घर से बाहर आऊँ और ट्रेन में उठूँ, ट्रेन रास्ते के ऊपर से चलकर स्कूल के सामने रुकेगा और मैं स्कूल पर जाऊँगा। पर ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन वियतनाम के कैपिटल हानोई में ये पॉसिबल है। ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर वो कहता है, हानोई में एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट के दो पास घरों का लाइन है, उसके मिडिल से रेल ट्रैक है, इस रेल ट्रैक से ट्रेन जाता है। वो ट्रेन जाता है हर 3 PM और 7 PM के समय में। ये सच में बहुत क्या बोलूँ मैं इस वर्ड को, क्या कहते हैं, अनबिलीवेबल फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हम जो पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा हट एक कंपनी है, आप जानते हैं, ये पिज्ज़ा हट कंपनी एक बार स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को पिज्ज़ा भेजे थे एस्ट्रोनॉट्स को। उसमें एक एस्ट्रोनॉट के लिए एक पिज्ज़ा भेजने के लिए कितना खर्च हुआ आप जानते हैं? एक पिज्ज़ा भेजने के लिए अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए एक पिज्ज़ा भेजने के लिए हुआ था। क्या कितना एक्सपेंसिव है कुछ चीज स्पेस में पठाने के लिए। ये अब इस पिज्ज़ा से आप सोच पा रहे हैं, एक पिज्ज़ा पठाने में लगा था 7 करोड़ रुपीस। हाँ, फैक्ट नंबर 4, कि आपको पता है हमारे जो आपको पता है मैं ये मेरा आपको पता है हमारा जो आइस है, मैं फिर वो करना हमारे आइस है, अगर हम आइस शरीर से बात चला जाए और किसी एक्सीडेंट से आइस कट जाए और डैमेज हो जाए, तो आइस हमारा कभी रिपेयर नहीं होता। मेरा चश्मा लगा हुआ है, वो कभी रिपेयर नहीं होता। लेकिन पृथ्वी में एक प्राणी है, हम सब लोग उसको देखे हैं, ज़्यादा पॉन्ड के साइड में हम देख पाते हैं, रेनी सीजन में वो हमारे घर में ही घुस जाता है कभी कभी। वो प्राणी है स्नेल। स्नेल अपने आँखों को रिपेयर कर सकता है, रिकवर कर सकता है अपने आँखों को। अगर आप उस स्नेल का आँखें काट दीजिए तो फिर आप कुछ दिन बाद वा कुछ हफ्ता बाद देखेंगे उस स्नेल के नए आँखें उठाए हैं। हे सच में ये अकेला प्राणी है इस पृथ्वी में, स्नेल जैसा कोई नहीं है ही नहीं, और जो अपनी आँखों को रिकवर कर सके। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं
हमार हम जो फ्रूट्स खाते हैं वेजिटेबल्स खाते हैं, एक मैंगो का साइज इतना 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 ज़्यादा तो इतना होता है, एक एप्पल होता है इतनी तरह, एक ऑरेंज होता है इतनी तरह, एक पम्पकिन होता है इतनी तरह। लेकिन अलास्का, अमेरिका के अलास्का में, यूएसए के अलास्का में इतना धूप आते हैं और उनका मिट्टी इतना फर्टिलाइज्ड है कि वहाँ पर हर वेजिटेबल फ्रूट्स इतना बड़ा बड़ा होते हैं, वो ट्रिपल एक्सल डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल होते हैं कहूँ तो, वो हमारे यहाँ के फ्रूट से 3-4 गुना ज़्यादा होते हैं, इतना बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा। अब ये तस्वीर तो देख ही पा रहे हैं। चलो अलास्का में जाते हैं, एक पम्पकिन खरीदते हैं और उसको सारा हफ्ता धर के खाते हैं और बाकी हम नहीं खा पाएंगे, बच जाएगा। हाँ, नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है हमारे इंसान के बाद सबसे इंटेलिजेंट कौन है? चिंपैंजीज, वो इंसान के बाद सबसे इंटेलिजेंट है। लेकिन चिंपैंजीज के तरह ही एक और इंटेलिजेंस है, का क्रोस। क्रोस चिंपैंजी के तरह इंटेलिजेंस है, उनके मन में इमोशन होता है, कोई चीज़ याद रख पाते हैं, अपने फ्रेंड्स को फैमिली के दोस्त फैमिली को वो याद कर पाते हैं। वाह, और ऐसे और भी एक प्राणी है एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के भी इमोशन बहुत है। तो अगर उनकी ग्रुप का कोई एलिफेंट मर गया, अगर उनकी फैमिली का कोई मर गया, तो सालों बाद भी उन्हें जब उनके याद आता है तो वो रोते हैं। सच है, सच में हम इंसानों के पास इसे इमोशन नहीं होते, एनिमल्स के पास भी होते हैं। और इसमें मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, सोशल मैसेज, उन एनिमल्स को मारिए नहीं, डोंट किल देम। अगर आप उनको खाना नहीं देना नहीं चाहते तो नहीं दीजिए, तो मारेंगे क्यों? हाँ, अब बताऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका, फैक्ट नंबर 1। अब जो ये स्क्रीन में येलो कलर देख रहे हैं, क्या येलो है? इज इट येलो? नहीं, अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या कहेंगे? तो आप भाई क्या कर रहे हैं, नील शब्द नील, तू क्या बोल रहा है, येलो नहीं है क्या? हम अंधे हैं? आप अंधे नहीं है, लेकिन ये येलो ही है, क्यों पता है? और आप जो रियल में नेचर में जो येलो देखते हैं, जैसे मेरा घर का ये वॉल जो है येलो है, वो रियली येलो है। लेकिन आप फोन के स्क्रीन में कंप्यूटर के स्क्रीन में जो येलो देखते हैं, येलो नहीं है। कंप्यूटर के स्क्रीन में आप 3 कलर देख पाते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ये RGB होता है। इस RGB के वजह से अगर आप फोन को जूम करके देखें कोई पिक्चर, तो आप देख पाएंगे, ये पिक्चर देख रहे हैं, फोन का पिक्सल्स होता है, पिक्सल। अगर बहुत ज़्यादा जूम करें तो हम इस पिक्सल को देख पाते हैं। और इस पिक्सल 3 कलर के होते हैं, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। और ये रेड ग्रीन और ब्लू होता है, और रेड एंड ग्रीन के बीच में जो कलर होता है, वो कॉम्बिनेशन के बीच में, वो फोन के स्क्रीन में येलो देखता है। अगर आपको येलो को जूम करके देखें तो ये रेड एंड ग्रीन ज़्यादा देख पाएंगे आप, ब्लू भी शायद हो सकता है, लेकिन रेड एंड ग्रीन ही आप ज़्यादा देख पाएंगे। ये सच में अमेजिंग फैक्ट है ना, इसका मतलब आप जो फ़ोन के स्क्रीन में और कंप्यूटर के स्क्रीन में जो और टीवी के स्क्रीन में बहुत स्क्रीन है, इसमें जो येलो देख रहा है, येलो नहीं है, मच्छर था। सच में ये बहुत बढ़िया फैक्ट है ना। तो आज मैं हिंदी को थोड़ा डेवलप करा हूँ, मेरे डैड बोल रहे थे मैं बंगाली में बोलूँ और इंग्लिश में बोलूँ, क्योंकि मेरा पिछली वाला वीडियो में हिंदी में खराब बोला था और मेरे फ्रेंड्स भी कह रहे थे, लेकिन मैं आज के वीडियो में हिंदी पहले से अच्छा बोला हूँ। और वीडियो और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कैसा लगा, और कोई चीज़ आप अच्छे से समझ नहीं पाए और मेरी कुछ डिफेक्ट हो और मैं कुछ गलत बोलूँ, मुझे तो नहीं लगता मैं गलत बोला, लेकिन हो सकता है, गलती हर किसी से होता है,
आपको लगता है मैं गलत बोलूँ तो कमेंट में बताना क्या मैं गलत बोला हूँ। और ऐसे मोर फैक्ट्स वाले वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो अब तक के लिए गुड बाय।